प्रदेश के हरदोई में मुलायम यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुलायम यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाबाद खान का नौबस्ता उपचुनाव में जाते समय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं पार्टी के नगर अध्यक्ष अहमद खान के आवास पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाबाद खान ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश योगी सरकार को विकास के नाम पर जीरो बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता हत्या, लूट, बलात्कार से पूरी तरह से टूट चुकी है। महिलाओं और बेटियों का सुरक्षित निकलना दूभर हो गया है। प्रदेश का मुख्यमंत्री ठोको नीति अपनाकर काम कर रहा है, पूरे प्रदेश का विकास ठप है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार को सबसे ज्यादा विकास करने वाली सरकार बताया और कहा कि योगी सरकार अखिलेश सरकार के समय पर किए गए कार्यों का लोकार्पण कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव एवं शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सरताज खान तथा आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट भी मौजूद रहे। जो प्रदेश में इस समय जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इन पर आपकी पार्टी के स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में नवरात्रि शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से बलात्कार और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, सरकार बिल्कुल इसमें फेल साबित हुई है। कहीं पर उचित कार्रवाई न होने के कारण अगर जो दोषी हैं उनको सजा मिले और जो पीड़ित हुई हैं, अगर एक घटनाएं हुई थी पहले, उनको इंसाफ मिलता तो इतनी घटनाएं ना होती लगातार। क्योंकि जब पीड़ित परिवार को ही दबाया जा रहा है, चाहे हाथरस ले लीजिए या और दूसरी घटनाएं ले लीजिए, लगातार सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। वो क्योंकि मुख्यमंत्री खुदे लगे हुए हैं, जब उन्होंने अपना बयान दे दिया ठोको, उन्होंने कह बयान देते हैं कि कोई तुमको मारेगा तो तुम भी तो मारोगे। इस तरह के बयान से उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार खराब होता चला गया, जिससे आम जनमानस में भय व्याप्त हो गया है, आम जनमानस परेशान हो चुका है। तो सरकार को मैं कहूंगा तुरंत इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कानून व्यवस्था को सही करने की। जो खुद अपराधी हो उनका आप निकाल लीजिए, जो चुनाव में उन्होंने एफिडेविट दिया, कितने अपराध हैं उनके, और वो अपराधी उनके साथ मिले जुले लोग हैं जो लगातार अपराध करते चले जा रहे हैं, बलात्कार होता चला जा रहा है, महिलाओं बच्चियों छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है, सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही। विकास के मामले में प्रदेश सरकार को आप कहां पर मानते हैं? मैं तो जीरो मानता हूं। विकास के नाम पे आप बताइए क्या हुआ, इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। जहां पर माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लगातार विकास हो रहा था, मेट्रो से लेके एक्सप्रेस वे से लेके जिला मुख्यालय को जोड़ने का काम से लेकर तमाम शिक्षा पे स्वास्थ्य पर काम हो रहा था, ये विकास सब ठप पड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ ठोको नीति अपनाए हुए हैं और कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, जिससे चाहे किसान बेहाल है, आज नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, किसानों को उपज का उनका मूल नहीं मिल पा रहा है, किसान आंखों से आंसू रो रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.